बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लेने वाली मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। सोमवार को हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हमीरपुर ब्लॉक के 23 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लेने वाली 58 बेटियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय के कैरियर काउंसलिंग विशेषज्ञ मीना कुमारी और आरसी ठाकुर ने मेधावी छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग भी की। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहती हैं, लेकिन अधिकांश बेटियों को समय पर मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण कैरियर आगे नहीं बढ़ पाता है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला प्रशासन सभी विकास खंडों में मेधावी छात्राओं को सम्मानित करेगा और कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम भी आयोजित करेगा ताकि बेटियों का भविष्य बेहतर हो सके। इसके साथ ही समय समय पर बेटियों के मार्गदर्शन के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर जिला में कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्णतः अंकुश लगाने और बेटा बेटी एक समान का संदेश आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए भी अभियान आरंभ किया जाएगा ताकि हमीरपुर जिला में लिंगानुपात में समानता हो सके। कार्यक्रम आयोजित करने का हमें मौका दिया। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप सबको देना चाहूंगी कि कार्यक्रम क्या है और जिला प्रशासन की ओर से हमने ये क्या कदम उठाया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों को बचाना। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसके बड़े ही डरावने रिजल्ट सामने आए थे 2011 के सेंसस में कि हमारी बेटियां लड़कों के मुकाबले बहुत कम होती जा रही हैं। तो ये एक प्रयास शुरू किया गया था कि बेटियों को बचाना भी है और आगे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आगे बढ़ सके समाज में, इसके लिए भी प्रयास करने हैं। बेटी बचाने के लिए जो भी प्रयास करने हैं वो निरंतर हम कर रहे हैं और उसमें आप सबको मैं बधाई भी देती हूँ। जिस तरह से जिले का चाइल्ड सेक्स रेशो बढ़ा है, इम्प्रूव किया है, उस सभी में आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारी जो जंग है वो खत्म नहीं हुई है, अभी हमें और भी इसमें बहुत काम करने हैं। अब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दूसरा कंपोनेंट है बेटी पढ़ाओ, तो हम जिला प्रशासन की ओर से एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि हमारी बच्चियां बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जब भी रिजल्ट आता है 10th का 12th का तो हमेशा अखबारों में यही सुर्खियां रहती हैं, यही सुर्खियां बटोरी जाती हैं कि लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त किए, ज्यादा आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद मैं अपने पिछले भी जैसे कार्यकाल में देखा है और भी मैं देखती हूँ, अक्सर हमने देखा है 12वीं के बाद हमारी बच्चियां या तो ड्रॉप आउट हो जाती हैं या कोई छोटा मोटा कोर्स करके और उनकी शादी कर दी जाती है और वहीं पे जो है उनका करियर खत्म हो जाता है। उनका सम्मान करते हैं अपनी बच्चियों का जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो एक पोटेंशियल उनमें पहले ही साबित कर चुके हैं क्योंकि 10th में उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल है आगे बहुत अच्छा करने का। और हम एक करियर काउंसलिंग के माध्यम से एक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो चुन सके अपना बेहतर भविष्य। हमने आज यहाँ पे डीएसपी मैडम को भी आमंत्रित किया है, बच्चों को अच्छा लगता है, हम ये आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि रोल मॉडल्स उन्हें दिखाते रहें कि कैसे जो है आप अगर अच्छी तरह से अपने भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, शुरू से अच्छे से प्रयास करें तो आप कहाँ तक बढ़ सकते हैं और एक अच्छा मुकाम इस सोसाइटी में और इस जगह में पा सकते हैं। इस मौके पर डीएसपी रेणु बाला ने भी छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए उनके एक बेहतर कैरियर के लिए टिप्स दिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं अगर अपने पास्ट में जान के देखूं आज से 10-15 साल पहले, तो आई वाज आल्सो वन अमंग द स्टूडेंट्स। हम लोग भी अच्छे वो रहे थे, स्कॉलर थे, अच्छे मार्क्स लिए थे, लेकिन इस तरह की करियर काउंसलिंग इस लेवल पे शायद किसी ने सोचा भी नहीं और हमें मिली भी नहीं। और मैं यही पास के एक गांव से बिलोंग करती हूँ,
तो जो मैम ने बताया कि कंफ्यूजन रहते हैं और हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, ये सब हमारे साथ भी हुआ। तो ये बहुत अच्छी पहल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बच्चों को करियर की तरफ मोड़ना, उनको बताना, स्पेशली गर्ल्स को। बॉयज के लिए तो सब लोग ट्राई करते हैं, पेरेंट्स भी करेंगे, कोई पड़ोस वाला भी बता जाएगा कि अच्छा इसको इस तरफ नहीं, इस तरफ डालो। लड़कियों के लिए कोई नहीं बताता। मैंने, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, बच्चे आते हैं, लड़कियां आती है, शादी होगी होती है, फिर वो अपना पास्ट बताते हैं कि मेरे इतने अच्छे नंबर थे प्लस टू में, टेंथ में, पर उसके बाद पेरेंट्स ने कुछ नहीं कराया और एज हो गई। जब तक हमारे कंफ्यूजन दूर होते हैं तब तक एज हो जाती है शादी की और फिर पेरेंट्स शादी कर देते हैं। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी तिलकराज आचार्य, स्कूल की प्रधानाचार्य नीना कुमारी सहित छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे।